सो बेसिकली वी आर बैक टू द पाथ पेपर स्टोर. इफ़ यू हैव सीन यस्टरडेज़ व्लॉग, आपने देखा होगा बाइक मुझे पाथ पेपर स्टोर पे छोड़ के जानी पड़ी थी. सो वी आर बैक हेयर एंड विल पिक अप द बाइक एंड सी वेदर स्प्रॉकेट इशू हैज़ बीन रिजॉल्व्ड और नॉट. सो अभी बेसिकली सीन ये है कि हमारा जो चेन स्प्रॉकेट है पूरा चेंज हो चुका है. एक दिन लग गया मुझे वापस आने में बाइक को लेने, और चेन स्प्रॉकेट में ही थोड़ा सा इशू था अलाइनमेंट का. तो डिफरेंट चेन स्प्रॉकेट हम लोगों ने यूज़ किया और उसके साथ बिल्कुल सही बैटरी थी अलाइनमेंट. तो एज सच बेयरिंग वगैरह बाइक के चेंज हो गए, बट उनकी शायद ज़रूरत नहीं थी. बट चेन स्प्रॉकेट इज़ नाउ फाइन. हम दो चीज़ें और ले रहे हैं. एक हम ले रहे हैं रॉक स्ट्रैप्स जो एंड्यूरिस्तान की हैं. दिस इज़ फॉर लाइक अबाउट 1800-1900 रुपीज़. इसकी जो लोड बेरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ऑसम होती है एंड लेंथ भी काफ़ी एडजस्टेबल होती है. सो ये काम आएगा बैग्स को टाई करने के लिए. एंड साथ ही साथ आई एम ऑल्सो गेटिंग द फोक सील्स फॉर द टाइगर. सो ये हमारा पूरा बागबस्टर वाला पार्ट निकल गया है यहाँ से. अब यहाँ पे एक ग्रिप पपी स्लाइड इन होगी और एंड में ऐसे लग जाएगा पूरा. हमारी हीटेड ग्रिप्स के ऊपर ग्रिप पपीज लग रहे हैं अभी, और यहाँ पे देखो ये कितना सॉफ्ट हो गया. चलाने के बाद थोड़ा पता लगेगा कैसा लगता है. इससे क्लच वगैरह तो नहीं होता कि इसका मूवमेंट अगर कम हो गई है तो क्लच प्लेट वगैरह दिखेगा, पार्शियल क्लच हो, ऐसा नहीं है. तो हमारा सॉफ्ट पैक लेने वाला जो कन्फ्यूजन है वो सॉर्ट आउट हो चुका है. आई एल बी टेकिंग सम लगेज फ्रॉम डर्ट सैक. उनका एक मैक्स बैग आता है 30 लीटर कैपेसिटी, साथ में दो बैग्स होते हैं साइड में 20-20 लीटर्स के. सो 70 केजीज़ की कैपेसिटी वाला सेटअप लेके जा रहा हूँ. आई एम नॉट टेकिंग द टॉप बॉक्स विद मी, एंड फॉर सेफ्टी आई एम गेटिंग द रॉक स्ट्रैप्स फ्रॉम एंड्यूरिस्तान, जिससे बैग थोड़ा स्लाइड ना करे. क्योंकि जब भी मैंने सॉफ्ट पैक्स यूज़ करें ट्रिप में ना, वो पीछे से ना लास्ट वाली पिलियन सीट से आप राइडर को पीछे से ना ऐसे टच करते रहते हैं, बार बार स्लाइड होते रहते हैं. सो उससे बचने के लिए आई होप दिस रॉक स्ट्रैप्स वुड वर्क. डर्ट सैक बैग के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो राइड पे ही पता लगेगा, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट टाइम दैट आई विल बी यूजिंग द डर्ट सैक मैक्स मॉड बैग्स. सो ये रेविट की पैंट है, हमने यहाँ से पूरी खोल दी है. ऐसे खोलनी ना पूरी. अब यहाँ से कैसे, सो एक साइड पे पूरा पैर वाला खुलेगा, राइट? पूरा खोल दो इसको. And it will go like this rather than this. अच्छा ऐसा सीन है. ऐसे खुल गई है पूरी. इस साइड में पहले जरा पैर डालेंगे. लुंगी लग लुंगी तो यार. पीयूष इज ड्रेसिंग अप जसवीर, पता चलना चाहिए. प्रॉब्लम लग रही, तैयारी हो रही है ऐसा लग रहा है. साड़ी उतार रही है हम. हमने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया. एंड यहाँ से ये बंद कर था, और जब को पूरा ऊपर से बंद कर लो. इसमें कोई और कलर भी आता है वैसे? हाई विजिबिलिटी वाला नहीं, ब्लैक. हाई विजिबिलिटी ऊपर तो होता है. अच्छा नीचे का नहीं, नीचे का करके क्या करोगे, दिखाई नहीं देगा. सो सारा काम हो चुका है बाइक पे. ग्रिप पपीज लग चुके हैं, फोक सील्स लग चुके हैं, बट एक नई दिमाग में चीज़ आई है. सो एज यू नो आई एम यूजिंग द HJC DSX-01 सिंस 2018. दैट वॉज अ हेलमेट दैट आई बॉट फ्रॉम हवाई इन 2018 अक्टूबर. सो इट्स ऑलमोस्ट बीन 3 years. आई हैव बीन वेरी हैप्पी विद द हेलमेट, बट दैट हेलमेट फील्स अ लिटिल हैवी, काफ़ी ज़्यादा हैवी लगता है, स्पेशली GoPro एंड सेना वगैरह माउंट करने के बाद. क्योंकि उसका अपने आप में वेट अबाउट 1.9 केजीज़ था. सो अब मैं थोड़ा सा एक हल्का हेलमेट देख रहा था, प्राइमरीली बिकॉज उसका वाइज़र का इशू जो HJC का है वो ठीक नहीं हो पा रहा. इंडिया में HJC के वाइज़र्स का बहुत बड़ा इशू है. एक ही स्टोर है जहाँ पे लॉक अवेलेबल होने का चांसेस था, वहाँ भी नहीं है लॉक अवेलेबल. एंड वो मैं कह रहा था बंदा कि जनवरी में आएगा लॉक. सो बेसिकली मेरा HJC ना मन उठ गया, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम लुकिंग एट सम हेलमेट्स हेयर. यहाँ पे मुझे AJV का AX9 हेलमेट पसंद आ रहा है, विच इज़ लाइक दिस वन इज़ एन एडवेंचर टूरिंग हेलमेट, एंड दिस इज़ अ नॉर्मल हेलमेट विच डज नॉट हैव द बीक. बेसिकली सेम कंस्ट्रक्शन है, सेम प्राइस है, एंड आई हैव चोजन द AX9 बिकॉज ऑब्वियसली हम टाइगर चलाते हैं, ADV बाइक चलाते हैं. सो बीक वाला हेलमेट तो मिनिमम है, क्योंकि उसमें जब MX गॉगल्स लगते हैं तो वो टॉप नॉच लगता है. ये हमारा पुराना वाला हेलमेट है HJC DSX-01, काफ़ी चल गया. एंड ये जो इशू है ना, इसने परेशान कर दिया मुझे. इसके साथ मैं डेफिनेटली राइड पे नहीं जा सकता. पर्सनली मुझे K6 में जो ये ब्लैक एंड वाइट कलर है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा था, बट ये वाला कलर हमारे पास AX9 में है नहीं, इधर अवेलेबल शायद आता ही नहीं है. ग्रे एंड नियॉन, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड वाइट, आई हैव गॉन फॉर दिस वन. फाइनली AGV AX9 फाइनलाइज किया, एडवेंचर टूरिंग हेलमेट. वेट कितना है? 1450 ग्राम्स.
1450 ग्राम्स, पिछले वाले का वेट था 1800 ग्राम्स, बट GoPro एंड सेना वगैरह लगा के 400-500 ग्राम तो वेट बढ़ ही जाता है। ये कलर देखो इसका जो लिया, ब्लैक एंड ब्लू, AX9 एंटार्क्टिका, ब्लैक एंड ब्लू, काफ़ी म्यूटेड डिज़ाइन है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा ब्लिंगी डिज़ाइन पसंद नहीं है। अगर बाकी सारे हेलमेट्स देखो येलो ऑरेंज चमकीले से होते हैं, मेरे को ये वाला डिज़ाइन पसंद आता है ADB हेलमेट्स में एटलीस्ट। एंड वाइज़र का प्ले एकदम परफेक्ट है, हमारी HJC की प्रॉब्लम होपफुली स्ट्रिप के लिए सॉल्व हो गई। एंड अभी हम इस पर बस माउंटिंग करेंगे GoPro की एंड सेना लगाएंगे एंड वी आर गुड टू गो। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये बताओ, ये हेलमेट प्रॉपर ADV लुक है। फाइनली अपग्रेडिंग माई हेलमेट आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट फुल 3 years, सो दिस इज़ अ बिग लीप इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड कम्फर्ट। सो वी आर जस्ट गेटिंग द सेना इंस्टॉल्ड एंड होपफुली आई ऑल्सो गेट द माइक इंस्टॉल्ड फॉर द ब्लॉगिंग सेटअप एज वेल। सो अभी सेना 20S फिट हो रहा है एंड ये हमारी GoPro का माइक है रोड का। इसकी फिटिंग थोड़ी सी क्रूशियल होती है क्योंकि इसमें तार बहुत ज़्यादा लंबी है, अंदर कुशनिंग के बीच में आके ना नॉर्मली हेलमेट की पैडिंग को थोड़ा सा लूज़ करती है, उस चीज़ को हमने ठीक से इस बार इंश्योर करना है, ठीक से फिटिंग हो। सो दैट इज़ हाउ द AGV AX9 लुक्स। फाइनली ऑल सेटअप हैज़ बीन डन, द GoPro माउंट इज़ हेयर एंड यू हैव द सेना इंटरकॉम एज वेल। लेट मी नो हाउ दिस लुक्स गाइज। सो गाइज सीन ये है कि हम बाइक पे आ चुके हैं अपनी और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फील आ रही है क्योंकि हमने ग्रिप पपीज लगाए हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इससे बाइक चलाने की फील एकदम प्रॉपरली चेंज हो चुकी है। आगे हमने फोक सील्स भी लगाई हैं, वो अभी मैं आपको दिखाना भूल गया बट एक बार उतर के दिखाता हूँ। स्प्रॉकेट चेंज है, बेसिकली बाइक की जो पूरी ड्राइव ट्रेन है वो चेंज हो चुकी है, अब मज़ा आएगा बाइक चलाने में। बाकी AJV AX9 हेलमेट अभी हमने पहना है, अगर आपको शीशे में दिख रहा है तो ब्लैक एंड ब्लू कलर, लुकिंग डोप। होपफुली दिस इज़ द हेलमेट दैट विल हेल्प मी फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years एटलीस्ट। हेलमेट्स ऐसी चीज़ें यार, इन पर अच्छी क्वालिटी का लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस बार अच्छा हेलमेट लिया है। HJC वाला हेलमेट भी अच्छा था, ये भी अच्छा है, ये थोड़ा सा उससे लाइट वेट है एंड ऑब्वियसली कार्बन शेल है तो इसकी लाइटनेस थोड़ी सी अलग है। पानी भरा पड़ा है पूरा भाई साहब, वाटर प्रूफ शूज़ पहन कर आया हूँ आज तो, फॉर्मा वाले सारे काम आ रहे हैं। वाटर क्रॉसिंग क्रॉस हो रही है इस समय प्रॉपर। सो भाई लोगों, बदरपुर के ये फ्लाईओवर अंडरपास को क्रॉस कर समय ये देख लो क्या चल रहा है मामला। ये देखो वाटर क्रॉसिंग्स की यहीं पे तैयारी होगी, लगता है पता लग चुका है कि हमने लद्दाख जाना है। अभी ना हेलमेट नया है तो बहुत स्नग फिट है इसकी, बहुत ज़्यादा टाइट फिट है। ओ डैम व्हाट ट्रैफिक। तो बेसिकली ये हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं बार बार अपने इनसाइड ऑफ द चीक्स को काट रहा हूँ दांत से, ये फीलिंग आई थिंक अभी टाइम लगेगा ठीक होने में, 10-15 दिन तो मिनिमम लगेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा बोल समय। आज 2-3 चीज़ें सही हो गई, बाइक मिल गई हमें वापस, ग्रिप पपीज लग गए एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हम लोगों ने अपना हेलमेट ले लिया नया, जो अगले 3 साल तक शुड बी गुड। अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपेंड टुडे, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। आपको हेलमेट का कलर कैसा लगा, ओवरऑल व्हाट यू फील अबाउट दिस AGV हेलमेट, मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई डोंट वॉन्ट टू शो यू दिस ट्रैफिक फील्ड रूट ऑन द वे बैक होम। स्टे कनेक्टेड विद मी, सब्सक्राइब करना चैनल को, अभी बहुत बढ़िया व्लॉग्स आने वाले हैं पूरे लद्दाख ट्रिप के। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज गाइज, बाय बाय।